दोस्तों, ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही रहस्यमय भी है। इस दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई रहस्य छुपा है जो हम इंसानों से अनसुना और अनदेखा है। इन्हीं रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य जो इस दुनिया का था वो था अंतरिक्ष, जो हमने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है। लेकिन अब बात आती है समुद्र की। ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर करा गया है, बाकी बचा 95% अभी भी अनडिस्कवर्ड है। और समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मरियाना ट्रेंच, जो 2550 किलोमीटर नीचे स्थित है, ये करीब 8 किलोमीटर गहरा है। और इसी मरियाना ट्रेंच के नीचे ऐसे ऐसे रहस्य देखे गए हैं जिन्होंने साइंटिस्ट के दिमाग को चौंका के रख दिया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस गहराई के नीचे एक और गड्ढा देखा। मरियाना ट्रेंच के नीचे एक और गड्ढा जो 3 किलोमीटर गहरा है, और इतनी गहराई करीब माउंट एवरेस्ट के बराबर की होती है। तो सन था 1842 जब ब्रिटिश रॉयल नेवी ने चैलेंजर डीप नाम का मिशन करा और इस मरियाना ट्रेंच के नीचे के 3 किलोमीटर गहरे गड्ढे को खोजा। इस गड्ढे ने सारे वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। आप सोच के देखो कि मरियाना ट्रेंच के नीचे एक 3 किलोमीटर गहरा गड्ढा। सोचो इसमें कैसे कैसे भयानक जीव होंगे, कितने बड़े बड़े जीव होंगे, ऐसे जीव जो इंसानों ने आज तक नहीं देखे थे। सन 1960 में दो महान साइंटिस्ट डॉन वॉल्श और जैक पिकर्ड ने एक समर्सिबल यूनिट में जाके इस चीज़ का साहस दिखाया कि ये मरियाना ट्रेंच के 3 किलोमीटर गहरे गड्ढे के नीचे जाएंगे, पता लगाने के लिए कि आखिर उस गड्ढे के नीचे क्या है। काफ़ी घंटे के सफ़र के बाद जब इन्होंने उस गड्ढे की सतह पर लैंड किया तो इन्होंने ऐसे ऐसे विचित्र जीव देखे जो इंसानों की आँखों से आज तक अनदेखे थे। बिल्कुल विचित्र, अजीब शेप और साइज के, इतना नीचे भी जीवन है। ये देखकर वो साइंटिस्ट चौंक गए। लेकिन बिगेस्ट शॉकर तो ये था कि उन दोनों ने इतनी गहराई में एक इतना विशालकाय जीव देखा जिसको देखकर वो चौंक गए, और वो इतना विशाल था जो शायद ही आज तक किसी इंसान ने देखा होगा, लगभग ब्लू व्हेल से भी कई गुना बड़ा। वो दोनों इतना घबरा गए क्योंकि वो विशाल जीव उनकी समरसेबल का पीछा कर रहा था, और अगर वो उनकी समरसेबल से टकरा जाता तो उन दोनों की मौत तय थी। सन 1985 में ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट करा गया जब एक टेस्ट व्हीकल को इसी मरियाना ट्रेंच के 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया लोहे की तारों को बांधकर, ताकि रिसर्चर्स की पकड़ इस पर मजबूत रहे और इस बार ये टेस्ट व्हीकल को कोई दिक्कत ना आए। जैसे ही ये 11 किलोमीटर नीचे पहुंचा और सतह पर लैंड किया, रिसर्चर्स को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम से ऐसा महसूस होने लगा कि कोई ऐसा विशालकाय जीव है नीचे जो इस टेस्ट व्हीकल को दबोचे बैठा हुआ है अपने मुंह में और इसको खींच रहा है अपनी तरफ। ये देखकर सारे रिसर्चर्स चौंक गए। यहाँ रिसर्चर्स की पूरी टीम अपना पूरा जोर लगा रही थी उस टेस्ट व्हीकल को वापस ऊपर खींचने में, और वहाँ वो विशालकाय जीव अपना पूरा जोर लगा रहा था उसको खींचने में। जैसे ही टेस्ट व्हीकल कुछ टाइम बाद ऊपर आया तो उसकी हालत देखकर लिटरली सब चौंक गए, क्योंकि वो टेस्ट व्हीकल पूरा तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि इतने खतरनाक जीव ने इस टेस्ट व्हीकल को पूरा तहस नहस कर दिया, इतना बड़ा और खतरनाक जीव जो शायद ही इंसानियत ने आज तक देखा होगा। उस टेस्ट व्हीकल पर जो दांतों के निशान देखे गए उनसे साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि प्राचीन समय के दो सबसे खतरनाक और विशालकाय दानव मोसासोरस और मेगलिडॉन, इन दोनों में से कोई एक मरियाना ट्रेंच की 11 किलोमीटर के नीचे की गहराई में
में स्थित है जिसने इस टेस्ट व्हीकल का ये हश्र करा है, या फिर एक ऐसा विशालकाय जीव भी हो सकता है जो ब्लू व्हेल, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा जीव माना जाता है, उससे भी करीब 2 से 3 गुना बड़ा जीव भी हो सकता है। लेकिन इस जीव का असली आइडेंटिटी आज तक अननोन है। हालांकि साइंटिस्ट आज तक लगे पड़े हैं इस जीव की सच्चाई जानने में। ऐसे इंसिडेंट्स को सुनने के बाद सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह कांप उठती है, क्योंकि समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर करा गया है। बाकी बचे 95% में कैसे विचित्र जीव हो सकते हैं, इनका हम तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कि आपकी समुद्र की इस गहराइयों के राज पर क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। गुड बाय।